भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 17 मार्च से हो रहा है। इस साल के आखिरी में भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप भी होना है। ऐसे में दोनों टीम्स अपनी पूरी ताकत लगाकर इस सीरीज को जीतना चाहेंगी। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारत को जीत मिली और उसके बाद भारत के हौसले बुलंद है। ऐसे में अब टीम इंडिया की नजरें सीधे सीधे वनडे सीरीज पर जीत हासिल करने पर होगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भारत में खेलते हुए रिकॉर्ड काफी बेहतर है। ऐसे में भारतीय टीम को हर मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया के सामने बढ़ चढ़कर खेलना होगा। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया भारत को भारत में खेलते हुए हरा चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 143 मैच हुए हैं। इसमें से 80 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है, जबकि भारत को सिर्फ 53 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं अगर भारत में हुए मुकाबलों पर नजरें डालें तो दोनों देशों के बीच अब तक कुल 64 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 30 मैचेस जीते हैं और 29 मैचेस में टीम इंडिया को जीत मिली है। अब आप भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जैसे टेस्ट सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या वनडे सीरीज भी भारत अपने नाम कर पाएगा या नहीं। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।